राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय में स्थापित खेल मैदान में पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय ध्वज का न होने से जिला के लोगों में चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय ध्वज में लगे झंडे की तार टूटने के कारण शहर में आने जाने वाले लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बाल खेल मैदान में इस राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना गाजियाबाद की कंपनी द्वारा की गई है। जिला हमीरपुर में इस राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा की गई है। राष्ट्रीय ध्वज की बाल खेल मैदान में अपनी विशेष पहचान है। बाल खेल मैदान में विभिन्न खेल गतिविधियां भी चलाई जाती हैं। इस प्रकार खेल मैदान में राष्ट्रीय ध्वज के होने का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिला खेल विभाग के कार्यालय भी खेल मैदान में इस राष्ट्रीय ध्वज के होने की गुणवत्ता को और भी चार चांद लगा रहा है। इसके अलावा बाल खेल मैदान में विभिन्न गतिविधियों के रूप में भी विशेष पहचान बनाए हुए है। दूसरी ओर इस संदर्भ में जिला उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज की झंडा लगाने वाली तार कुछ दिनों से तूफान के कारण टूट गई है। इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए 3 झंडे प्रशासन के पास है। राष्ट्रीय ध्वज को जोड़ने वाली तार के बारे में गाजियाबाद की कंपनी को भी पत्राचार के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। शीघ्र ही राष्ट्रीय ध्वज पर झंडा लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जिसके माध्यम से झंडे को ऊपर लगाया जाता था और ये वायर टूट चुका है और ये जो पोस्ट लगाई गई थी वो लगाई गई थी गाजियाबाद की कंपनी के द्वारा, तो उनके संपर्क में हैं हम लोग और जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा। 3 झंडे हमारे पास स्पेयर में हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो तार थी वो तार टूटी हुई है जिसके माध्यम से झंडे को लगाया जाता है, तो उस तार को पहले ठीक करना पड़ेगा। उसके उपरांत हमें झंडे लगाने की कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 स्पेयर में पड़े हुए हैं। अभी स्थिति होगी कि हमें और झंडे की जरूरत होगी तो जिला प्रशासन मुहैया करवाएगा।